नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट पटियाला से आ रही है। पटियाला की सब्जी मंडी में बीते दिन पुलिस पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस द्वारा इनका 15 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत द्वारा 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस द्वारा इन्हें बीते दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस पार्टी इन्हें गिरफ्तार करने गई तो इनके द्वारा दोबारा फिर से पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। पुलिस द्वारा इनसे हथियारों का जखीरा व नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस द्वारा इन्हें आज अदालत में पेश किया गया, जिन्हें अदालत ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। देखिए इस प्रकार से यहां पर पुलिस द्वारा इन आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। आपको बता दें, बीते दिन पटियाला की सब्जी मंडी के बाहर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी। लोगों को कर्फ्यू नियमों का पालन करने की बात कही जा रही थी। इतने में जब एक गाड़ी आई तो पुलिस द्वारा इसकी चेकिंग करनी चाहिए, जिस पर कार में सवार लोगों द्वारा पुलिस कर्मचारी पर हमला कर दिया गया। पुलिस के एक ASI का हाथ काट दिया गया और गाड़ी लेकर ये लोग फरार हो गए। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया। जब पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तो इनके द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। जिसके बाद पटियाला के SSP ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनसे नकदी व हथियारों का जखीरा भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश किया। अदालत ने इन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों में महिलाएं भी शामिल हैं। देखो से पुलिस द्वारा इन हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे प्रतिनिधि जतिंदर पाल सिंह कलेर यहां पर मौजूद हैं, उनके द्वारा तस्वीरें हमें भेजी जा रही हैं, आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। टोटल 11 लोग थे ये। जी हूँ तक कोई वक्री नवी रिकवरी वगैरह कुछ को हुई है रिमांड कितने दिन का सर कहा है? रिमांड कितने दिन का दिलाया? 10 दिन का रिमांड। ठीक है सर, थैंक यू।